जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर फिर से प्रस्तुत हूँ। जय माता दी। नवरात्रा जब आता है तो ये आम चर्चा होती है कि माँ का आगमन किस वाहन से हो रहा है और माँ किस वाहन से प्रस्थान कर रही है। इस विषय में है तो बात बहुत सरल, लेकिन बहुत सारे भक्तजनों को, बहुत सारे साधकों को ये बात पता नहीं है। वो दिग्भ्रमित रहते हैं कि पंडित जी क्या कहेंगे, किसी कैलेंडर में क्या छप गया, कभी कभी तो दो रंग की बात छप जाती है, तो लोग संशय में पड़ जाते हैं। तो इस संशय का आज हम निराकरण सदा के लिए कर दे रहे हैं। इसमें शास्त्र में एक श्लोक आया है, मार्कंडेय पुराण का ये श्लोक है। इस श्लोक के मुताबिक ही माँ का आगमन और माँ का प्रस्थान होता है। नवरात्र, वैसे तो चार नवरात्र होते हैं वर्ष भर में, लेकिन दो मुख्य नवरात्र जो हम लोग जानते हैं, एक तो चैत में होता है और एक आश्विन में होता है, जिसको शारदीय नवरात्र कहते हैं और उसे चैत नवरात्र कहते हैं। तो नवरात्र का जो सप्तमी तिथि होता है, उस दिन माँ के मूर्ति में, माँ के प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, अर्थात उनका आवाहन किया जाता है। तो जो उस दिन आवाहन होता है, उस दिन माँ का आगमन होता है। और पूजा पाठ प्रतिष्ठा के बाद, सारे विधि विधान से शास्त्रोक्त पूजा करने के बाद, विजयादशमी के दिन माँ के प्रतिमा का विसर्जन होता है, अर्थात माँ को हम श्रद्धा पूर्वक विदा करते हैं, अर्थात वो माँ के गमन का दिन होता है। तो एक हुआ सप्तमी तिथि, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, और एक विजयादशमी, जिस दिन विसर्जन होता है। तो कोई भी तिथि किसी न किसी वार में पड़ेगा। सात दिन का वार होता है, रविवार से सोमवार तक। तो उस वार के हिसाब से शास्त्र में पहले से ही श्लोक दिया हुआ है, जिसको हो सके तो आप लिख लें या वीडियो को गौर से सुने और लिख लें, ताकि आगे भी आपको किसी से पूछना ना पड़े। तो माँ के आगमन का, श्री दुर्गा आगमन का जो विचार होता है, उसका श्लोक है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौम तुरंग में, गुरु शुक्रे च दोलायाम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। फिर से सुनिए, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौम तुरंग में, गुरु शुक्रे च दोलायाम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। अर्थात शशि सूर्य, अर्थात सोमवार, शशि जो होता है सोमवार, और सूर्य मतलब रविवार। तो सोमवार और रविवार को अगर सप्तमी तिथि पड़ती है तो गजारूढ़ा, माँ का आगमन हाथी से होता है, गज पे आरूढ़ होकर आती हैं। शनि भौम तुरंग में, अगर सप्तमी की तिथि शनिवार या मंगलवार को पड़ता है तो माँ का आगमन तुरंग अर्थात घोड़े से होता है। गुरु शुक्रे च दोलायाम, अगर सप्तमी की तिथि गुरुवार या शुक्रवार को होता है तो माँ पालकी से आती है, दोले में बैठ कर आती है। बुद्धे नौका प्रकीर्तिता, अगर सप्तमी की तिथि बुधवार को पड़ता है तो माँ का आगमन नौका से होता है। फिर इसका फलाफल भी शास्त्र में लिखा गया है कि गजे च जलदा देवी, अगर माँ का आगमन गज से हो रहा है तो उस साल बहुत पानी होता है, वृष्टि अच्छी होती है। छत्र भंग तुरंग में, अगर माँ तुरंग से आएगी तो छत्र भंग, राजा का छत्र जो होता है भंग होता है। तभी तो प्रजातंत्र का देश है, अर्थात राजनीतिक उथल पुथल होता है इसमें। नौकायाम सर्व सिद्धिस्या, अगर माँ का आगमन नौका से होगा तो सभी प्रकार की सिद्धियां लेकर आती है माँ। दोलायाम मरणम ध्रुवम, जब माँ का आगमन दोला से होता है, पालकी से होता है, वो बहुत अनिष्टकारी होता है, कहता कि ये मरण के समान है, मरणासन समान है। ये शास्त्र की बातें हैं। ये तो हो गया आगमन की बात, अब आइए हम प्रस्थान की बात करते हैं। माँ के गमन, श्री दुर्गा गमन का विचार करें तो इसका भी श्लोक है कि शशि सूर्य दिने यदीशा, अगर दिन जो दशमी का दिन है, विजयादशमी का दिन है, शशि और सूर्य है, शशि सूर्य दिने यदीशा महिषा विजया गमनम, विजया कहते हैं माँ को, माँ का गमन महिष से होता है, महिषा पर सवार होके माँ जाती है, अगर विजयादशमी सोमवार और रविवार को पड़ता है शशि सूर्य। इसका फल जो होता है वो बीमारी लेकर आती है माँ, देकर जाती हैं, शोक देकर जाती हैं माँ,
इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, शनि भौम दिने यदिशा विजया चरुणायुधा, अगर दशमी का दिन शनिवार या मंगलवार को पड़ रहा है तो माँ का गमन चरणायुधा, पैदल जाती है माँ, चरण से जाती है, और इसका जो फलाफल होता है वो विकल कर देने वाला होता है, अर्थात व्यक्ति साधक समाज राज्य बेचैन हो जाता है। कारण कुछ भी हो तो सावधानी बरतनी चाहिए। अगर विजयादशमी का दिन बुध शुक्र दिने यदिशा, अगर विजयादशमी बुधवार और शुक्रवार को पड़े तो बुध शुक्र दिने यदिशा विजया गजवाहनम, तब माँ जो है गज पे चढ़ के जाती है, तो इसका फलाफल बहुत अच्छा होता है। सुवृष्टि करा, इसका जो फल में लिखा गया है शास्त्र में, सुवृष्टि करा, अर्थात हर चीज धन्य धान से परिपूर्ण रहता है समाज जगत अच्छी। सुवृष्टि का मतलब होता है न अधिक वर्षा न कम वर्षा, जितना आपको चाहिए वो आपके सुख शाम के लिए, जितनी वृष्टि चाहिए उतनी माँ देती है। और एक वार बच गया गुरुवार, तो सूर्यराज गुरो यदिशा, सूर्यराज कहते हैं कि देवताओं के गुरु, देवताओं के गुरु जो है ना वो गुरु गुरु हैं, गुरु बृहस्पति। तो सूर्यराज गुरो यदिशा, अगर विजयादशमी के दिन बृहस्पतिवार पर रहे, गुरुवार पर रहे, विजया नरवाहनम, माँ सब पे सवार होके जाती है ना, और इसका जो फल होता है शुभ सुख सौख्य करा, हर ढंग से शांतिकारक सुखकारक है ना, यशकारक होता है। ये छोटी सी जानकारी थी, ताकि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधु में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बंधुओं को भी आगे से किसी नवरात्र में माँ का आगमन कैसे हो रहा है, माँ का प्रस्थान कैसे हो रहा है, किस वाहन से हो रहा है, उसका क्या फल होगा, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए साधना में, तो इसको अवश्य अपने मित्रों में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।